हाय डियर स्टूडेंट, पिछला वीडियो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट। उसमें हमने आपको जो एटॉमिक मास यूनिट है, जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी के लिए जो यूनिट जो यूज करते हैं, वो भी हमने आपको उसमें समझाया है। एटॉमिक मास यूनिट हमने आपको समझाया है, एटॉमिक मास यूनिट का और एनर्जी का क्या रिलेशन है वो भी हमने आपको समझाया है, कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है वो भी हमने आपको समझाया है। ओके, तो आज जो है डियर स्टूडेंट, हमें हीट पता है डियर स्टूडेंट, हमें वर्क पता है। ओके, हीट और वर्क, ये हीट और वर्क में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी दोनों भी एनर्जी के फॉर्म है। तो क्या ये दोनों भी सेम है? आज हम उसका आपको डियर स्टूडेंट कंपैरिजन समझाएंगे, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है हीट और वर्क में। यानी हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क। इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क। ओके, अब वर्क आपको पता है डियर स्टूडेंट, वर्क यानी मैकेनिकल फोर्स डन एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन, देन वी से दैट द मैकेनिकल वर्क इज डन। ओके, और वो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये हमें पता है। ओके, अब अगर हमने मैकेनिकल वर्क अगर हम चेंज अगर करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होती है डियर स्टूडेंट, चेंज होती है। ओके, मींस वर्क इज द ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, वर्क इज द ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, मीन्स वर्क इज अ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का तो फॉर्म है, लेकिन कौन सा, इट इज द ट्रांसफरिंग फॉर्म, मीन्स इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। और एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, वर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, वर्क इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, वर्क इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, वर्क इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, मीन्स वर्क जो है इट इज नॉट इन द स्टोरेज फॉर्म, वर्क इज नॉट अ स्टोरेज फॉर्म। तो ये सिंपल ऐसा वर्क के बारे में होगा डियर स्टूडेंट। अब हीट के बारे में देखते हैं, हीट क्या है। मानो अगर हमने हॉट बॉडी अगर हमने कोल्ड बॉडी में, यानी हॉट जो मेटल रॉड है उसको अगर हमने कोल्ड वाटर में क्या किया, डीप अगर किया डियर स्टूडेंट, ओके, तो क्या होगा, हॉट बॉडी जो हॉट रॉड जो है उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस टेम्परेचर ऑफ द हॉट रॉड बिकम्स डाउन एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर बिकम्स इंक्रीजेस। ये क्यों हुआ, बिकॉज द हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज, कौन सी बॉडीज में, हॉट रॉड और कोल्ड वाटर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। देयर इज अ हीट एक्सचेंज, देयर इज अ हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट वाटर, हॉट बॉडी, हॉट मेटल रॉड और कोल्ड वाटर, दैट मीन्स द हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहां से कहां गई, कहां से कहां गई, मानो ये कोल्ड वाटर है और यहां पे हमने अगर मेटल रॉड अगर हम डीप अगर करते हैं, हीटेड मेटल रॉड अगर डीप अगर करते हैं, तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसका जो वाटर जो है, ये वाटर, इसका टेम्परेचर क्या होगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। यानी हीट इज एक्सचेंज बिटवीन हॉट मेटल रॉड टू कोल्ड बॉडी, मीन्स क्या, हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज
ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी, इट इज द ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो द ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे सिमिलरिटीज क्या है, दोनों भी डियर स्टूडेंट ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि वर्क और हीट कब प्रोड्यूस होंगे, जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ध्यान में रखना है, वेन हीट एंड वर्क आर प्रोड्यूस, वेन द एनर्जी इज ट्रांसफर एनी सिस्टम, सिस्टम नेवर स्टोर्ड और सिस्टम नेवर कंटेन हीट और वर्क, ये भी बात ध्यान में रखना है, सिस्टम नेवर कंटेन हीट और वर्क, सिस्टम नेवर कंटेन हीट एंड वर्क, सिस्टम नेवर कंटेन हीट एंड वर्क। ओके, तो ये जो दोनों भी ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क और हीट दोनों भी क्या है, ट्रांसफरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये दोनों को, हीट एंड वर्क को हम क्या कहते हैं, इट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड है, इट इज द ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन, इट इज द ट्रांजिएंट फिनोमिनॉन। ओके, अब जहां पे हीट है वहां पे वर्क है और जहां पे वर्क है वहां पे हीट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये भी एक कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट कि जो अगर हमने मेटल रॉड को अगर हमने हीटेड अगर किया, व्हेन द मेटल रॉड इज हीटेड, मेटल रॉड को अगर हमने, ये रॉड है और ये बर्नर कहेंगे हम उसको, ओके, तो मेटल रॉड क्या होगा, अब हीटेड होगा, मींस इट अक्वायर द एनर्जी, मींस एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, तो यहां पे हीट का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अब वर्क भी होगा, अगर मेटल रॉड अगर हीटेड अगर होता है तो मेटल रॉड का एक्सपांशन होगा, मीन्स वर्क ऑफ एक्सपांशन इज डन, हीट भी हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है, मीन्स रॉड एक्सपांडेड, रॉड में भी एक्सपांडेड, मीन्स वर्क ऑफ एक्सपांशन इज डन, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज डन। ओके, तो इसको हम ट्रांजिएंट फिनोमिनन कहते हैं। और एक कौन सी सिमिलरिटी है, दैट इज बोथ आर दी हीट एंड वर्क, बोथ आर दी पाथ फंक्शन, बोथ आर दी पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन मीन्स इट इज डिपेंड्स अपॉन दी, बोथ आर दी पाथ फंक्शन है, वर्क है और हीट जो है, इट इज द पाथ फंक्शन, पाथ के रिलेटेड है डियर स्टूडेंट, क्या है, पाथ के रिलेटेड है। ओके, तो पाथ के रिलेटेड होने के कारण इन केस ऑफ द वर्क और हीट नॉट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंटली प्रोसेस, इंडिपेंडेंटली क्वांटिटी इन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इन ड्यूरिंग दी थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने अगर इसका अगर देखा तो इन केस ऑफ दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सिंस वर्क और हीट इज अ पाथ फंक्शन एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देन इन केस ऑफ दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नो इंडिपेंडेंटली क्वांटिटी कंजर्व इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ये हो गए उनका सिमिलरिटीज, ये क्या हो गया उनका सिमिलरिटीज। अब एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट
heat is not completely converted into work. Heat is not completely converted into work is completely, ये तो हमें डेली लाइफ में भी हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे. अगर हमने हमारे हैंड अगर रब अगर करते हैं, हम हमारे हैंड अगर रब अगर करते हैं तो हीट क्या होगी डियर स्टूडेंट, वी फीलिंग द वार्म बिकॉज द हीट इज अ प्रोड्यूस. ओके, तो वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन वही हीट से वर्क नहीं होगा डियर स्टूडेंट. तो हीट इज वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट बट हीट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. सो यहां से फिर क्या है, वर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन. वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन है, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन. हीट इज लो ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन. वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन है, और हीट क्या है डियर स्टूडेंट, लो ग्रेड एनर्जी फिनोमिनन है. तो ये था डियर स्टूडेंट कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क का. दोनों भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमने आपको यहां पे समझाया है कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का जो नाम है वो इक्विनॉक्स फिजिक्स. हम ऐसे ही कंसेप्ट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, स्टडी करते हैं. थैंक यू सो मच.